अध्यक्ष डॉक्टर भगत राम राणा ने आयुष चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने का विरोध करते हुए कहा कि आईएमए संगठन इस चीज का पूर्ण उपयोग करता है। पिछले दिनों इसी को लेकर उन्होंने देशव्यापी 2 दिन की हड़ताल की थी। चिकित्सकों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन भी भेजा था। इसी सिलसिले में शुक्रवार को आईएमए ने भूख हड़ताल की। आईएमए के सदस्य डॉक्टर सुबह 9 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे और क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। आईएमए मुरादाबाद ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर भगत राम राणा ने कहा कि आईएमए आयुष चिकित्सकों के विरुद्ध में नहीं है। हम आयुर्वेद समेत अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों का सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कथित रूप से मिश्रित चिकित्सा पद्धति को जिस तरह से बढ़ावा देने की शुरुआत हुई है उसके प्रति अपना विरोध व्यक्त करते हैं, क्योंकि सर्जरी जैसा जटिल कार्य करने के लिए काफी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसमें पढ़ाई के साथ ही लंबा चिकित्सीय व्यवहारिक अनुभव होना भी जरूरी है। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ सकता है। कई तरह की दिक्कतों का और इलाज में गड़बड़ी और लापरवाही जैसी समस्याएं भी कहीं बड़े पैमाने पर सामने आ सकती हैं। इसी को लेकर आईएमए में विरोध है। जब तक सरकार इस तरह की विसंगति खत्म नहीं करती तब तक एसोसिएशन अपना विरोध किसी न किसी आंदोलन के रूप में जाहिर करता रहेगा। इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मिशन में मिशन पिंक हेल्प की फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर पूनम सिंह ने आईएमए के चिकित्सक द्वारा की जा रही हड़ताल से बताते हुए अपने विचार रखे। भगत राम राणा, अध्यक्ष आईएमए मुरादाबाद। हमारी सरकार ने मिक्सोपैथी जो एक योजना चालू की है उसका मतलब यह है कि उसने जो आयुर्वेद या दूसरे पद्धति के जो चिकित्सक हैं उनको एलोपैथी में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। हमारा आईएमए मुरादाबाद का, स्टेट का और नेशनल आईएमए का, सभी का ये आंदोलन है कि हम लोग मिक्सोपैथी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हमारा किसी भी पैथी से, आयुर्वेद से या और जो अन्य पैथियाँ हैं, होम्योपैथी से कोई विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि सरकार हर पैथी को अपने स्वाधीन तरीके से उसको विकसित करे, प्रोत्साहन करे, उसको मतलब बढ़ावा दे। लेकिन जो मतलब मिक्सोपैथी सरकार कर रही है उससे अपरिपक्व मतलब डॉक्टर पैदा होंगे और पेशेंट के ऑपरेशन करने में, उसका इलाज करने में उसमें कॉम्प्लिकेशन आएंगे। और वैसे भी आयुर्वेद में या अन्य पैथियों में बेहोशी की कोई सुविधा नहीं होती है। अगर वो डॉक्टर, वो चिकित्सक जो मतलब मिक्सोपैथी के द्वारा पैदा होंगे, उनसे कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जो भी एक कॉम्प्लिकेशन होते हैं केस में, तो उसके लिए हायर सेंटर पर मरीज को भेजना पड़ता है। हायर सेंटर के लिए उनके यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। तो हमारा सरकार से ये मांग है कि जो मिक्सोपैथी सरकार ने चलाई है या जो मतलब आज्ञा दी है, गवर्नमेंट ने जो जारी किया है नोटिफिकेशन, उसको वापस ले। कार्यकारिणी की फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ एमपीएच मिशन पिंक हेल्थ की, जो नेशनल मिशन पिंक हेल्थ है। तो उसमें हम लोग आईएमए की एक ब्रांच है, तो हम लोग आईएमए के साथ ये रिले हंगर स्ट्राइक आज कर रहे हैं मिक्सोपैथी के विरोध में, क्योंकि जो मिक्सोपैथी गवर्नमेंट रूल ला रही है, पहले भी हम लोग इसमें प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम करते रहेंगे, आखिर तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये रूल चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल जनता के लिए, लोगों के लिए और मेडिकल डॉक्टर्स के लिए और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही घातक है। इसको मिक्स ना करे सरकार दूसरी पैथीज के साथ, मतलब एलोपैथी होम्योपैथी को अलग अलग रहने दें सरकार, हम ये चाहते हैं। और आयुर्वेदिक ब्रांच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और पुरानी ब्रांच है इंडिया की, उसको गवर्नमेंट अपनी नॉर्मल पद्धति में जैसे पहले चल रहा था चलने दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को देने में फ़ायदा होता है। अगर वो एलोपैथी ट्रीटमेंट ना कराना चाहें तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर मिक्स हो जाएंगी तो कोई ऑप्शन इसमें बचेगा नहीं। पेशेंट के पास मिले जुले एक ट्रीटमेंट होगा, और फिर दूसरा जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार की सर्जरीज के लिए, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और हाईली स्पेशलाइज्ड सर्जरीज हैं, उनको एक सुपर स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आँख की सर्जरी, आँखों की सर्जरी वगैरह, उसको नॉर्मल डॉक्टर कैसे करेंगे? और अगर करेंगे तो वो पब्लिक के लिए बहुत ही घातक होगा और जानलेवा होगा। हमारा प्रोटेस्ट इसी के अगेंस्ट है कि इनको मिक्स ना किया जाए, सबको अलग अलग रखा जाए।